होल्ड ऑन गाइस, अगर आप जरकपुर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपको इस प्रोजेक्ट के इस अपडेट के बारे में जानना मैंडेटरी है। इसको जानने के बाद आप कहीं और जाएंगे ही नहीं, आई कैन गारंटी यू दैट। Welcome back to our channel Tri-City Property Guru. I'm your host, dost, anchor Tarannum. जैसे कि आप जानते ही हैं, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक और प्रोजेक्ट जिसकी हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, बट आज मैं लेकर आई हूँ इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही अच्छा अपडेट आपके लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज के हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हर्मिटेज सेंट्रलिस्ट, जो लोकेटेड है जरकपुर VIP रोड के ऊपर। इट्स अ कम्प्लीट 10 acres टाउनशिप जिसमें आपका बाहर सारा कमर्शियल एरिया आ जाएगा। यहाँ पे आप इस साइड देख सकते हैं, ये इनका एंट्री एंड एग्जिट गेट है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा, जिसमें आपका एंट्री एंड एग्जिट दोनों अलग रहने वाले हैं। पूरी गेटेड टाउनशिप रहेगी इस सोसाइटी में। आपको इस टाउनशिप के अंदर आपको कम्प्लीट 5 towers मिल जाएंगे, जिसमें आपको 5 categories में 3 BHK अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब 5 sizes में मिल जाएंगे, जिसमें से एक साइज में आज मैं आपको अपार्टमेंट दिखाऊंगी भी, जो आपका एक्चुअल अपार्टमेंट है। इससे पहले जो आपने हमारी वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने आपको हमेशा सैंपल अपार्टमेंट्स दिखाए हैं, बट इसमें आज हम एक एक्चुअल अपार्टमेंट देखने वाले हैं। बट उससे पहले हम कर लेते हैं एम्यूनिटीज़ की बात। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे पार्क आ जाता है जैसे आप सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप सिटिंग एरियाज यहाँ पे देख सकते हैं, आपके गजीबोज बने हुए हैं, एम्फी थिएटर है आपका यहाँ पे, वॉकिंग ट्रैक्स हैं आपके, जॉगिंग ट्रैक्स हैं सेंटर में। यहाँ पे आप ग्रीनरी देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में आपको एक और सेंट्रलाइज्ड पार्क मिल जाएगा जो आपकी सोसाइटी के अंदर बना हुआ है बिल्कुल। साथ ही में आपका 12,000 square feet का क्लब हाउस आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी भी। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके टावर्स हैं वो आ जाते हैं आपके S+14 एंड S+8 कंसेप्ट के साथ। एक आपका हाई राइज टावर है यहाँ पे S+14 एंड बाकी आपके सारे मिड राइज आ जाएंगे, जिनमें आपकी डिफरेंट अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको कि 5 different sizes यहाँ पे अपार्टमेंट्स के आपको मिल जाएंगे। इनर सोसाइटी की बात करूँगी, इनर रोड की बात करूँगी, तो वो भी आपके काफ़ी वाइड आपको मिलने वाले हैं। जितनी भी आपकी पार्किंग रहेगी वो आपको स्टिल्ट पे भी मिल जाएगी एंड आपकी बेसमेंट पार्किंग भी रहने वाली है। तो बहुत अच्छी टाउनशिप है, बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। आइए आपको क्लब हाउस भी दिखाती हूँ, पार्क भी दिखाती हूँ एंड फिर चलेंगे अपार्टमेंट के अंदर। सो यहाँ आ जाएगा हमारा बहुत ही लग्जरियस सा क्लब हाउस जो बना हुआ है G+3 कंसेप्ट के साथ। गाइज, इसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं एंड ये एक बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट बाय करते हैं। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। तो आइए चलते हैं अंदर एंड सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ, आइए। सो सबसे पहले जैसे आप क्लब हाउस में एंटर करेंगे, आप एम्बियंस देखिए पहले यहाँ का, कितना ब्यूटीफुली ये बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपका सारा लॉबी एरिया आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, ये आ जाएगा हमारा रेस्टोरेंट कम पार्टी हॉल। लुक एट दिस स्पेस गाइस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मतलब आपको कहीं भी बाहर का खाना खाने का मन करे तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आप अपने अपार्टमेंट के नज़दीक बैठे हैं या अपनी ही प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा आपको लगने वाला है, बहुत अच्छी सेटिंग करी गई है एंड जो डिज़ाइनिंग है ना यहाँ की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। एंड यहाँ पर आ जाएगा इसका किचन काउंटर, जहाँ पे आपके सारे अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, कुक बनाएंगे एंड वहाँ बैठ के आप उनको खा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्पेस है। एंड अब आइए बाहर चलते हैं। सो आफ्टर दिस यहाँ पे आ जाएगी हमारी लाइब्रेरी, यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट आपका बुक शेल्फ,
जो आप देख सकते हैं अभी तो खाली है, यहाँ पे बुक्स वगैरह इंस्टॉल होना है। यहाँ पे आपके सारे टेबल्स आ जाएंगे जहाँ पे आप बैठ के बुक्स रीड कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो। अगर आप बहुत अच्छे रीडर हैं, आपको रीडिंग करना बहुत पसंद है, तो ये स्पेस आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। एंड इस साइड आ जाएंगे कंप्लीट वॉशरूम, जो आपको हर फ्लोर पे मिलेंगे, जेंट्स एंड लेडीज अलग डिफरेंट सेक्शन आ जाएगा आपका। यहाँ लिफ्ट रहेगी, यहाँ पे स्टेयरकेस रहेगा, जैसे भी आप ऊपर जाना चाहें आप जा सकते हैं, हम स्टेयर्स यूज़ करेंगे। आइए, सो दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे भी आपको बहुत डिफरेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। फर्स्टली यहाँ पे भी आपको एक लॉबी मिल जाती है, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा बैंक्वेट हॉल, जहाँ पे अभी देख सकते हैं आपकी ये चेयर्स वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट वालों की कुछ मीटिंग हुई थी उसके लिए। बट ये आपका बैंक्वेट हॉल है, जहाँ पे आपका 60 to 70 या फिर 100 पीपल्स का गैदरिंग इजीली हो सकता है। आपका कोई भी रिंग सेरेमनी हो, छोटा मोटा इवेंट हो, वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इसका पूरा किचन, जहाँ पे भी सारा आपके चीज़ें बनेंगी। एंड बाहर वाले सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा वॉशरूम। सो यहाँ आ जाएगा इसका कंप्लीट वॉशरूम। हर फ्लोर पे आपको वॉशरूम मिलने वाला है, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है। अगेन यहाँ पे लिफ्ट के लिए स्पेस आ जाएगा, एंड यहाँ रहेंगी हमारी स्टेयर्स। आइए चलते हैं ऊपर। सो यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। सबसे पहले आ जाएगा हमारा ये प्लेइंग एरिया, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गेम्स मिल जाएंगी। आप यहाँ स्नूकर देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये अलग गेम आ जाएगा जिसका नाम मुझे नहीं पता है, यहाँ पे आपका टेनिस आ जाएगा। तो जब भी आपके पास टाइम हो ना, आप फ्री हो, आप यहाँ पे आके प्ले कर सकते हैं। अब आप आएंगे तो आपके बच्चे भी साथ में आएंगे, तो उनके लिए भी तो एक अलग सा स्पेस होना चाहिए ना। तो यहाँ आ जाएगा आपके बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा सा स्पेस, जहाँ पे अगर वो आपके साथ आते हैं वो यहाँ पे खेल सकते हैं, एंड आप अपना बाहर एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें हैं उनके लिए, जैसे कि आप ये स्लाइडर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये बॉक्स आ जाएगा, मतलब डिफरेंट चीजें यहाँ पे आ जाएंगी जिनके साथ आपके बच्चे यहाँ पे आके प्ले कर सकते हैं। एंड दूसरा, आपको उनके गिरने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जैसे फ्लोर देख सकते हैं पूरा रबराइज फ्लोर है, तो जैसे अगर वो गिरते हैं, क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे तो गिरेंगे या पर उनको चोट नहीं लगेगी, तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है पूरा। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे एक और बहुत अच्छी चीज बन रही है आपके लिए, जो अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, बट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सो ये रहने वाला है यहाँ का मिनी थिएटर, जो अभी नहीं बना है, जिसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा, इसका काम अभी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको थिएटर भी मिलने वाला है, जहाँ पे जब भी आपके पास टाइम हो, आपको मूवी देखने का मन करे, आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं और ऊपर। अब इतना इंजॉय कर लिया आपने, तो फिटनेस भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आ जाता है आपका जिम एरिया। लुक एट दिस जिम, इतना ब्यूटीफुल जिम बनाएंगे अगर कोई, तो क्यों नहीं आएगा यार रोज कोई, मतलब वाओ। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इसको बना रखा है, हर एक इक्विपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड क्योंकि ये क्लब हाउस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत रीसेंट ही बना है, तो आप देख सकते हैं रैपर वगैरह भी नहीं उतरे हैं अभी मशीनरी के, ये सारी आपके ऐसे मिल जाएंगी। मिरर का काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है जिम के अंदर, क्योंकि जब भी मैं जिम जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को देखना, एक्सरसाइज करते हुए मोटिवेशन मिलते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में आपको एक थॉट मिल जाता है यहाँ पे, नो पेन नो गेन, विच इज़ रियलिटी ऑफ लाइफ। सो आफ्टर दिस इस साइड आ जाएंगे हमारे दो रूम, जो आपके रहने वाले हैं गेस्ट रूम। कभी भी आपके पास कोई गेस्ट हो, आप अपने फ्लैटमेट को नहीं ठहराना चाहते हैं, या फिर इतना स्पेस नहीं है, तो आप इन रूम्स को यूज कर सकते हैं। ये आपको फुली फर्निश्ड रूम्स मिल लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे बेड वगैरह नहीं लगे हुए हैं, जैसे आपके होटल रूम्स होते हैं वैसे ही सेम ये रूम आपको मिलने वाले हैं। इनको आप बुक कर सकते हैं जब भी आपका कोई गेस्ट आए, वॉशरूम इनका यहाँ रहेगा, कबर्ड यहाँ पे है, एंड वहां सामने इनका बेड आ जाएगा, सेम रूम वहां पे एक रहने वाला है, दो रूम्स आ जाएंगे आपके। सेम यहाँ पे आपके वॉशरूम्स आ जाएंगे, ये आपका लिफ्ट एरिया रहेगा। एंड आइए चलते हैं और ऊपर। सो दिस इज आवर रूफ टॉप, जहाँ पे यहाँ पे आपका कंप्लीट बार काउंटर आ जाएगा, पार्टीज वगैरह करने के लिए बहुत मस्त जगह है गाइस। आइए और भी दिखाती हूँ। यहाँ रहेगा आपका ये इतना बड़ा स्विमिंग पूल, एंड ये एरिया देखिए गाइस,
कितना अच्छा एरिया है, कभी भी आपके पास टाइम होगा ना, आपको एक रिलैक्सिंग स्पेस चाहिए होगा, रिलैक्सिंग वाइब्स चाहिए होंगी, आप इस जगह पे आपके बैठ सकते हैं। नाइट पार्टीज वगैरह का आपको शौक है तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्विमिंग पूल के साथ में विद म्यूजिक एंड ऑल, बहुत अच्छी वाइब बन जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लब हाउस। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारी एमिनिटीज़ का टूर। अब मैं आपको लेके चलूँगी हमारे अपार्टमेंट में, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिल्कुल एक्चुअल अपार्टमेंट। आइए। सो यहाँ आ जाएगा हमारा आज का एक्चुअल अपार्टमेंट इन द साइज ऑफ 1845 स्क्वायर फीट, जो आज मैं आपको शो करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा यहाँ पे मैंने आपको सैम्पल अपार्टमेंट ही दिखाया है, बट आज हम देखेंगे यहाँ पे एक्चुअल अपार्टमेंट, जिसमें जो भी आप चीज़ें देखेंगे वो सारी आपको वैसी की वैसी मिलने वाली हैं। आइए। सो दिस इज द मेन डोर ऑफ दिस अपार्टमेंट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका वो डिजिटल लॉक रहने वाला है, जिसको आप कार्ड से, की से, पिन कोड से, कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। आइए अंदर। सो जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाता है आपका डाइनिंग प्लस ड्राइंग स्पेस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस मिल रहा है। यहाँ पे इस साइड आप अपना पूरा डाइनिंग सेट कर सकते हैं, इस साइड आप अपना पूरा ड्राइंग सेट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा साइज रहने वाला है। स्पेसिफिकली अगर मैं साइज़ की बात करूँगी तो इसका साइज़ आ जाएगा आपका 12x17, जिसके साथ आपका बालकनी भी कनेक्टेड रहने वाला है, जिसमें जो आपका डोर आ जाएगा ये आपका विद UPVC टफन ग्लास आ जाएगा, साथ में आपका मैश डोर भी दिया गया है। बालकनी का साइज भी काफ़ी अच्छा है, जैसे आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं। फॉल सीलिंग इस अपार्टमेंट में आपको करके देंगे जब भी आप ये अपार्टमेंट परचेज करेंगे। अभी तो आप देख रहे होंगे कि आपका पूरा जो सीलिंग है वो प्लेन है, बट इसमें आपको फॉल सीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस साइड आ जाएगा हमारा किचन। किचन में सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि एक मुझे अच्छी चीज़ लगी है। यहाँ पे आप जितना मर्जी बड़ा रेफ्रिजरेटर अपना रखना चाहें वो यहाँ पे रख सकते हैं। एंड अगर आपको प्राइवेसी पसंद है अपने किचन के लिए, तो आप इस एरिया को क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से, जिस तरीके से आप करना चाहें। एंड नाउ यहाँ आ जाता है हमारा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन, जो आपको एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही मिलने वाला है। इस साइड आ जाएगा आपका कंप्लीट कुकिंग काउंटर, जहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं, अपना चिमनी यहाँ पे लगा सकते हैं। अपर कैबिनेट्स आपके आ जाएंगे डिफरेंट स्टाइल के अंदर, विद हाइड्रोलिक ओपनर रहेंगे। यहाँ पे आपके सिंपल कैबिनेट्स आ जाएंगे। लोअर कैबिनेट्स की अगर हम बात करेंगे, ये आ जाएंगे आपके विद सॉफ्ट क्लोजर, डिफरेंट साइज में है यहाँ पे भी आपके कैबिनेट्स। एंड अगर हम इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे डुअल सिंक है आपका विद दिस मूविंग फॉसेट। नीचे भी कैबिनेट्स हैं, इस साइड भी आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाएगा, एंड ऊपर भी यहाँ पे आपका स्पेस आ जाएगा काफ़ी अच्छा। मतलब जितना भी आपका किचन का स्टफ होता है वो इजीली आप इन कैबिनेट्स में स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ आपका बालकनी भी अटैच रहेगा, जो कि आपके जो थर्ड बेडरूम है उसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे स्पेस देख सकते हैं आप, टैप्स वगैरह भी प्रोवाइडेड हैं, इन केस आप वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी कुछ भी करना चाहते हैं वो आप इसके साथ यहाँ पे कर सकते हैं, अपना वॉशिंग मशीन वगैरह भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर किचन। अब इसी के साथ हमारा ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अब चलेंगे हमारे रूम्स की तरफ। तो यहाँ पे ना रूम्स आपके जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन में आ जाते हैं, एक प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जो आपके रूम्स हैं वो आपके मेन डोर से या फिर आपके ड्राइंग डाइनिंग से विजिबल नहीं रहने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाएगा। इसके अगर साइज़ की बात करेंगे, 11x14 का ये रूम रहने वाला है, जिसमें यहाँ पे आपका कबर्ड आ जाएगा, जो आपको विद द परचेज कुछ इसी साइज़ का मिलने वाला है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्लोरिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी है। रूम में अगर मैं वैसे फर्नीचर की बात करूंगी, तो यहाँ पे आप अपना बेड रख सकते हैं आराम से, सामने आपका LED पैनल आ जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे आपके सॉकेट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड है। साइड में ना इस साइड या फिर उस साइड आपके पास इतनी स्पेस बच जाएगी कि छोटी मोटी जैसे चेयर वगैरह अगर आप अपने रूम में रखना चाहते हैं कुछ सिटिंग के लिए, तो वो भी आप रख सकते हैं, या फिर स्टडी टेबल बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। इसके साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा यहाँ पे, जो बालकनी है उसका काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, एंड काफ़ी वाइड बालकनी रहेगी आपकी, जो आप देख सकते हैं।
एंड जो रेलिंग है उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेलिंग की हाइट है वो भी काफी अच्छी है, तो सिक्योरिटी पर्पज से ये काफी अच्छी चीज आ जाती है। एंड गाइज ये जो आपके टफन ग्लासेस रहने वाले हैं ये आपके विद रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस रहने वाले हैं, जिससे आपका धूप वगैरह कुछ भी अंदर नहीं आता है एंड अंदर का बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। ये था हमारा रूम, इसी के साथ कनेक्टेड यहाँ हमारा वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम में सबसे पहले यहाँ पे आपका बेसन, वैनिटी आ जाएगी, सीट, ये कंप्लीट आपका बाथिंग सेक्शन आ जाएगा। फुल वॉल लेंथ का टाइलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लॉसी लुक के साथ टाइल्स आ जाएंगी सारी। फ्लोरिंग जो रहेगी आपकी वो सारी एंटेस्किट रहने वाली है। सो दिस वॉज आर फर्स्ट बेडरूम। अब चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ जो कि रहेगा आपका यहाँ पे। इसके अगर मैं साइज की बात करूंगी तो इसका साइज रहेगा आपका 10.5 x 14.5। बेड लगा सकते हैं इजीली, सामने वाली वॉल पे आपका एलईडी पैनल आ जाएगा, एसी की डक्टिंग आपकी वहाँ पे प्रोवाइडेड है। वही बालकनी जो आपको मैंने फर्स्ट बेडरूम से दिखाई इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगी। मैश डोर है आपका, विद टफन ग्लास वाला डोर है। बालकनी का साइज भी काफ़ी अच्छा है जैसे मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। रूम में ना यहाँ पे सिर्फ आपको अपना बेड रखना है एंड अपना जो भी एलईडी वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आपका जो कबर्ड्स का स्पेस है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिल जाता है यहाँ पे। आपके वॉशरूम के बिल्कुल बाहर यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके कबर्ड्स के लिए जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे विद स्लाइडिंग डोर। कुछ इस तरीके का लेआउट है, इस तरीके का स्पेस रहेगा, ऊपर भी स्पेस है। एंड यहाँ आ जाएगा फिर हमारा वॉशरूम जिसका साइज काफी अच्छा है। पहले तो वॉशरूम का एक बहुत ही अच्छा सा डेडिकेटेड आपको बाथिंग सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है जिसको आप विद पार्टीशन भी यूज़ कर सकते हैं, इतना स्पेस है। यहाँ पे आ जाएगी आपकी सीट, योर बेसिन विद वैनिटी रहने वाला है। अगेन सीलिंग हाइट तक आपकी टाइल्स आ जाएंगी, ये आपकी वुडन टेक्सचर के साथ रहेंगी एंड ये आपकी ग्लॉसी लुक के साथ टाइल्स आ जाती हैं। फ्लोरिंग में भी सेम आ जाएगा आपका, ये आपकी एंटीस्किड टाइल्स आ जाएंगी, ये आपकी विद वुडन फिनिशिंग आ जाएगी। फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन वॉशरूम में आपका विंडो भी प्रोवाइडेड रहेगा, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस है, गीजर के लिए आपको सारा प्रोविजनिंग वगैरह मिल जाएगी विद द परचेज। अब चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम में जो इस साइड रहेगा। इसके साथ जो आपको वॉशरूम मिल रहा है ना गाइज, उसको आप दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इस साइड से भी, रूम से भी एक्सेस मिल जाएगा। तो इनकेस आपके जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको वॉशरूम यूज़ करना है तो वो एज अ कॉमन वॉशरूम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपका बेसिन है, देन वैनिटी, सीट एंड ये आ जाएगा आपका बाथिंग सेक्शन। ये भी आपको काफ़ी बड़ा वॉशरूम मिल रहा है यहाँ पे। टाइल्स की बात करूंगी तो यहाँ पे भी आपको सीलिंग हाइट तक की टाइल्स मिल रही हैं एंड विद मैट फिनिश ये सारी आपकी टाइल्स रहेंगी। फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी प्रोवाइडेड है, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस मिल जाएगा, गीजर के लिए सारी प्रोविजनिंग मिल जाएगी। आइए चलते हैं रूम में। सो दिस इज आर थर्ड बेडरूम। इसके साइज की बात करूंगी तो 12 x 16 का ये रूम आ जाएगा आपका, जिसमें अगर आप बेड रखेंगे अपना उसके बाद भी आपको एक काउच रखने के लिए या फिर एक सोफ़ा सेट लगाने के लिए जगह बच जाएगी, इतना बड़ा ये रूम आपको मिल रहा है। विंडो भी है यहाँ पे फॉर द एक्स्ट्रा वेंटिलेशन आई कैन से। इस साइड आ जाएंगे हमारे कबर्ड्स, इसमें कबर्ड्स आपके रूम में ही रहेंगे, कुछ इस तरीके के आ जाएंगे। कबर्ड में जो आपका ग्लास यूज़ किया गया है वो आपका ब्लरी ग्लास है। इस स्पेस के साथ साथ ऊपर भी आपका स्पेस आ जाएगा तो जितना भी स्टफ है आपका वो सारा आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो। इस साइड आ जाएगी बालकनी, सेम जो मैंने आपको किचन से दिखाई थी वही बालकनी इसके साथ भी आपकी कनेक्टेड रहने वाली है। ये था हमारा थर्ड बेडरूम।